दोस्तों आप लोग थक चुके हैं फेस स्मूथ का वीडियो देखते देखते, फोटो एचडी करने का वीडियो देखते देखते, तो आज आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। देख सकते हैं कितना हाई एचडी है, इतना एचडी अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया कुछ नया ट्रिक में, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, कुछ अलग लेवल का ट्रिक बताऊंगा, कुछ हाई लेवल का ट्रिक बताऊंगा यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक आने में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे, बिल्कुल आराम से मैं बताया हूँ, अच्छे से हर एक स्टेप को आप लोगों को देखना पड़ेगा कुछ इस टाइप से एडिट करने के लिए और इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी सारा लाइक पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए गाइस बिना देर के वीडियो को स्टार्ट भी कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक फटाक से पहुंच पाए और आप मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी देख पाएं। देख सकते हैं कितना हाई एचडी हमारा फेस वगैरह, लिप्स वगैरह, आँख का लेंस है वो भी मैं अलग लेवल का लगाया हूं, तो सारा कुछ मैं बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। और जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए गाइज, हमारा टारगेट दूर नहीं है, 100 के सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कीजिए मेरे भाई, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अपना ओरिजिनल फोटो किसी भी एप्लीकेशन में सेंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो चीज़ ध्यान दिया जाता है इसके ऊपर। क्या चीज़, कि हमारे स्किन पे कहीं पर भी ब्लैक वाला पार्ट तो नहीं है ना, ये चीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाइस वो चीज़ आप लोगों को स्मूथ करने में आगे चल के दिक्कत करने लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गर्दन वगैरह हर एक चीज़ हमारा मतलब एक ही कलर टोन में है, ठीक है, कहीं पर भी लाइट ज़्यादा नहीं है, डाउन नहीं है और मतलब ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं है हमारा फोटो, ठीक है गाइस। तो सबसे पहला बार क्या करेंगे, यहाँ पे अभी आप लोगों को ब्लैक वाला पार्ट हो तो स्नैपसीड में ले जाके सिलेक्टिव टूल को यूज़ करके साफ सुथरा कर सकते हैं, ठीक है। पहला वर्क हमारा ये रहेगा गाइस, अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा ये वीडियो पूरा 100%। सेंड करेंगे गाइस डायरेक्टली लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर अपना ओरिजिनल फोटो, ठीक है, और उसके बाद से चलेंगे गाइस लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। उससे पहले एक मैं बात बताना आप लोगों को भूल गया, कि आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों को लाइटरूम प्रेसेट जो मिल जाता है तो तुरंत जाके डाउनलोड कर लेते हैं, एडिट करने लगते हैं, ठीक है। तो वैसा करेंगे तो आप लोग कभी पर सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सीखने के लिए शुरू से लास्ट तक देखेंगे कुछ नया लेवल का एडिटिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ओरिजिनल फोटो जो है हमारा आ चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। अब इसके लिए जो खास प्रेसेट मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, वो प्रेसेट आप लोगों को कैसे मिलेगा वीडियो के अंदर मैं आज बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि यार एक भाई ने मुझे बोल दिया था कि आप बताते नहीं हो अच्छे से कि प्रेसेट कहाँ से डाउनलोड होगा, ठीक है, तो मैं फाइनली आज आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे ओरिजिनल फोटो का जो है प्रेसेट मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, प्रेसेट भी दे दूंगा अच्छे तरीके से, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। प्रेसेट को क्या करना है गाइज, यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा कोने में, देन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही गाइज यहाँ पे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके और नीचे वाला जो आइकन यहाँ पे खाली दिख रहा है आप लोग को, इसको सिलेक्ट करके और राइट के आइकन पे क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। देन उसके बाद का प्रोसेस क्या है, हमारा प्रेसेट जो है कॉपी हो चुका है एंड आना है ओरिजिनल फोटो के ऊपर और 3 डॉट पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो पेस्ट कर दिए, रिजल्ट आप लोग के आंखों के सामने है कैसा रिजल्ट आ गया फेस वगैरह पे, अभी एचडी नहीं हुआ है, कई सारा इसमें काम बाकी है एंड बैकग्राउंड का हल्का सा कलर चेंज है, फेस पे अलग लेवल का कलर टोन ऐड करना है, काफ़ी ज़्यादा वर्क इसमें बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे सब, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्रॉप करूँगा फोटो को, तो नीचे की तरफ क्रॉप का ऑप्शन है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए कस्टम का ऑप्शन है फर्स्ट में, देन इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर 3.4 साइज करके और इसको इतना कर देना है जो कि इंस्टाग्राम साइज हमारा हो जाएगा। देन अब क्या करना है, राइट के आइकन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे हल्का सा मैं विगनेट को माइनस करूँगा और फेदर को मिड लाइट मिड पॉइंट और फेदर को पूरा 100%, ठीक है। अब गाइस करना क्या है, यहाँ पे जो भी आप लोग के आंखों के सामने, बिल्कुल आराम से आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को शेयर का, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा सेव टू डिवाइस का ऑप्शन, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके अपना पिक जो है गैलरी के अंदर सेव कर देंगे। और जब तक सेव हो रहा है गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हैं मेरे भाई, इतना खतरनाक ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ और हर रोज़ एक नया कंटेंट दे रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे यार सपोर्ट कीजिए, आप लोगों से इतना ही कुछ कहूँगा। एंड यहाँ पर मेरा टाइम देख सकते हैं कितना बज रहा है, 2:35 हो रहा है, इस टाइम मैं सोया नहीं हूँ, आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ यार मैंने मेरे मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब करना क्या है, चलते हैं गैलरी के अंदर, हमारा पिक जो है गैलरी के अंदर आ चुका है,
यहाँ पे देख सकते हैं। एंड दूसरा प्रोसेस हमारा यही है, फेस को अच्छे से स्मूथ करना। ब्रश को कैसे चलाया जाता है, कैसे HD में स्मूथ होता है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए जानिए, इसको शेयर करेंगे स्केचबुक ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर, ये रहा, ठीक है। ये भी आप लोगों को प्ले स्टोर पे आसानी से अवेलेबल है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे, अपना पिक जो है आसानी से इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। एंड आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा इसके अंदर, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमें ब्रश यूज़ करना है ये वाला, क्योंकि यार मैं कभी भी ये यूज़ करता हूँ अपने फेस को अच्छे से एडिट करने के लिए। देन गाइज उसके बाद से इसका सेटिंग क्या रखता हूँ वो मेरा वीडियो जो रोज़ देखते हैं वो तो जानते ही हैं, जो लोग नए देख रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ। इसका सेटिंग जो है, ये रहा सेटिंग का ऑप्शन, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। करने के बाद इसका सेटिंग देख लीजिए, स्ट्रेंथ जो है इस बार 30% और फ्लो जो है इस बार रखेंगे 4% यहाँ पे, ठीक है। और साइज जहाँ पे जैसा ढूंढते हैं वहाँ पे, और इसको स्क्रीनशॉट भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे इसका नाम वगैरह, ठीक है। एक बार दिखा दे रहा हूँ ब्रश है ये वाला, और इसका सेटिंग जो है ये है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे हेड के ऊपर से स्टार्ट करेंगे स्मूथ करना, ठीक है। और ध्यान रखना है बाल वाले पार्ट पे हमारा ब्रश नहीं जाए, ठीक है। ये चीज़ कभी भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यार वो बाल वाला जो पार्ट है वो तो कभी भी ब्लैक रहता है, तो वो कट कट के आने लगता है हमारे स्किन के ऊपर, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है आगे चल के, और वही चीज़ ब्लैक हो जाता है। तो आप लोग को यही चीज़ ध्यान रखना है कभी भी, ठीक है। तो छोटा मोटा गलतियाँ सुधार करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आगे चल के हार्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है कुछ पार्ट फेस का, एंड यहाँ पे जो है और बाकी का पार्ट मैं कर ही रहा हूँ आप लोगों की आंखों के सामने। एंड उसके बाद से मैं बताऊँगा आप लोगों को HD कैसे करना है, और आँखों में लेंस कैसे लगाना है, लिप्स को अच्छे से रेड कैसे करना है, कलर वगैरह कलर टोन ऐड कैसे करना है फेस के ऊपर, जिससे हमारा फोटो जो है इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल हो और सबसे डिफरेंट दिखाई दे, ठीक है। तो डिफरेंट करने के लिए कुछ अच्छा किया जाता है, ना कि कुछ भी नीला पीला गुलाबी कुछ भी करके छोड़ दें, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और कभी भी स्मूथ कर रहे हैं गाइस तो उल्टा पुल्टा करके आप लोग स्मूथ कर सकते हैं, बस ये जो ब्रश है इसको सीधा सीधा चलाना है कभी भी, ये चीज़ ध्यान रखना है। इस तरह गोल गोल नहीं घुमाना है, नहीं तो क्या होता है गाइस फेस का जो टेक्स्चर होता है वो चीज़ गायब हो जाता है बिल्कुल ही। और ये सीधा सीधा चलाने पर, जैसे ये लाइन वगैरह दिख रहा है हमारे गर्दन के ऊपर, इसी टाइप से हम लोग सीधा सीधा चलाएंगे, जिससे हमारा स्किन जो है रियलिस्टिक दिखाई देगा। और जब तक फ़ोटो में रियलिस्टिक नहीं दिखाई दे, नहीं नज़र आए कुछ भी पार्ट, तो तब तक ये यार अच्छा नहीं दिखता है और वायरल नहीं होता है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम यार हर चीज़ देखता है, भले कुछ भी नहीं देता हो बट हर चीज़ देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मतलब फेस वगैरह अच्छे से स्मूथ वगैरह हो चुका है, ठीक है। और हैंड वगैरह बचा हुआ है तो मैं जल्दी से स्मूथ करने, तो नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे देखने में भी आप लोगों को दिक्कत होगा, ठीक है गाइस। चलिए स्मूथ करते हैं जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फेस वगैरह एंड हैंड वगैरह हर एक चीज़ अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है आप लोगों की आंखों के सामने, पूरा A to Z मैंने किया है। एंड इसको सिंपली गैलरी के अंदर कैसे सेव करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है, और यहाँ पर गाइस गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ सेव करेंट स्केच लिखा होगा ऊपर वाले ऑप्शन पर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर देना है, अब हमारा फोटो जो है गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा आसानी से। और भाई लोग अभी तक कमेंट नहीं किया, तो आप लोगों को कहाँ पे कैसा समझ नहीं आता है, मेरा वीडियो समझ आता है कि नहीं आता है, कमेंट करके प्लीज़ यार एक कमेंट कर दीजिए कि समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है, मेरा बताया हुआ एडिटिंग, ठीक है। चलिए आगे का प्रोसेस क्या है, दूसरा स्टेप भी कम्प्लीट होता हुआ, स्मूथ वाला वर्क हमारा कम्प्लीट। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, हमें क्या करना है, यहाँ पे PNG वगैरह थोड़ा सा एडजस्ट करना है, जिससे हमारा फोटो प्रोफेशनल दिखाई दे। तो वो चीज़ करने के लिए इसको शेयर करेंगे PicsArt एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो PicsArt एप्लीकेशन हमारा काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है, जो कि हमें ज़मीन से चांद पर लाने मतलब पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो समझ सकते हैं बैकग्राउंड चेंजिंग या फिर जो भी है ऐड करने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है हमारा ये वाला एप्लीकेशन। सिंपली गाइस सबसे पहला वर्क हमें क्या करना है, PicsArt एप्लीकेशन के अंदर हमारा पिक तो आ चुका है, यहाँ पे करना क्या है, घबराना नहीं है, अच्छे से देखिए बिल्कुल आराम से मैं बता रहा हूँ। एंड गाइस यहाँ पे टूल्स वाला ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा फर्स्ट में, एंड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा होगा, एंड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह लिखा होगा, एंड इसको कट कर दीजिएगा, 5000 लिख देते हैं। एंड फोटो का लास्ट मेगापिक्सल 100 होगा, उसको ऐड करेंगे। 100 कैसे कराना है, रिसाइज पे दो बार क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ 100 हो रहा है, 20999, ठीक है, 2999 कर देंगे यहाँ पे, एंड रिसाइज पे क्लिक कर देंगे। एंड गाइस हमारा पिक जो है रिसाइज हो चुका है, इसके ऊपर आप कुछ भी वर्क करेंगे तो अच्छे से
मतलब आगे तक फटेगा नहीं, और मतलब फटेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यार इसमें फटने वाला जो भी था उसको हम लोगों ने लॉक कर दिया है। अब करेंगे गाइस क्या, सबसे पहला वर्क आते हैं स्टिकर वाले ऑप्शन के अंदर, क्योंकि यार यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना है अच्छे से। स्टिकर वाले ऑप्शन के अंदर आके यहाँ पे सर्च करना है गाइस वाइट लाइट, ठीक है, WHITE वाइट, एंड इसी के अंदर चिपका के LIGHT कर देना है, ठीक है। वाइट लाइट करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को तीसरे नंबर में जो वाइट लाइट मिलेगा आप लोगों को नेट यहाँ पे ओपन रखना है, तभी ये अच्छे से वर्क करेगा। इसको डाउनलोड कर लेंगे सिंपली, और इसको इसी तरह नहीं लगाना है, इसका ब्लेंड मोड जो है, ब्लेंड नीचे की तरफ लिखा होगा ब्लेंड BLEND, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, और सबसे लास्ट में आना है ऐड का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, सिंपली यहाँ पे लगा देना है इसको थोड़ा सा लंबा खींच के, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे जिससे लगे कि यहाँ पे लाइट आया हुआ है, ठीक है। एंड गाइस इतना होने के बाद करना क्या है, इसका डुप्लीकेट पार्ट कर देंगे, करने के बाद इधर की तरफ लगाएंगे थोड़ा सा, और इसका जो ब्लेंड मोड है इसको स्क्रीन रखेंगे। इतना होने के बाद गाइस करना क्या है, सिंपली राइट आइकन पे क्लिक करके सेव कर देना है। एंड दूसरा PNG लगाते हैं कैसे, स्टिकर वाला ऑप्शन के अंदर आके यहाँ पे रेड लाइट सर्च कर देंगे REDLIGHT, ठीक है। रेड लाइट सर्च करने के बाद गाइस उसके बाद का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे तीसरे नंबर में भी ये भी PNG आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसका ब्लेंड मोड जो है गाइस स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ऊपर की तरफ लगा देना है कुछ यहाँ पे ऐसे, ताकि अच्छा दिखाई दे हमारा फोटो। एंड इतना होने के बाद करना क्या है, राइट का आइकन पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब बात आता है लिप्स को रेड करना और आँखों में अच्छे तरीके से लेंस मैं कैसे लगाता हूँ वो चीज़ बताना, और एक PNG यहाँ पे एक और चिड़िया मैंने बैठाया था उसको भी मैं बैठा देता हूँ। तो करना क्या है गाइस, सिंपली स्टिकर वाला ऑप्शन के अंदर आके बर्ड लिख देना BIRD, बर्ड मतलब पक्षी होते हैं गाइस। एंड यहाँ पे कोई भी मीनिंग आप लोग लिखेंगे अच्छे से तो कोई भी PNG आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा आसानी से। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, एक थोड़ा सा रियलिस्टिक दिख रहा है चिड़िया, ये रहा पूरा रियल लग रही है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे बैठा देंगे, काफ़ी नाराज़ दिख रही है बट कोई दिक्कत नहीं है, इसे मना लेंगे बाद में। एंड क्या करेंगे गाइस, इसको अच्छे से यहाँ पे ऐड करके और राइट आइकन पे क्लिक कर देंगे। बात आता है लिप्स को रेड करना और आँखों में लेंस लगाना, ठीक है। तो नीचे की तरफ आप लोगों को कई सारा ऑप्शन मिलेगा, बट इफेक्ट और यहाँ पे remove.bg के बीच में आप लोगों को मिलेगा रिटच का ऑप्शन, ठीक है। सिंपली रिटच वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही स्लाइड करेंगे हेयर कलर का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, तो हेयर कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और फर्स्ट में कलर का जो सिस्टम दिख रहा है आप लोगों को सिस्टम बुझा ला, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद रेड कलर जो है सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे राइट का आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड क्लिक करते ही क्या करना है, ऊपर की तरफ बैक का एरो है, ठीक है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ मैनुअल का ऑप्शन है, ठीक है, मैनुअल पे क्लिक कर देंगे। आप लोग को मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तभी आप लोग का माइंड थोड़ा तेज़ होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आप लोग को कमज़ोर नहीं बोल रहा हूँ, आपका माइंड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, बट मैं कुछ अलग लेवल का कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि यार आप लोग कुछ फास्ट वर्क कर पाएँ, ठीक है। एंड मैनुअल पे क्लिक करने के बाद लिप्स को जूम करेंगे और नीचे वाला लिप्स जो अच्छे से रेड कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है, सब चीज़ आप लोग के आँखों के सामने ही है, ठीक है। एंड करना क्या है, इसका सिचुएशन 100% कर देंगे, अमाउंट अपने हिसाब से रखना है लगभग 25 के अराउंड, एंड राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब यहाँ पे दोबारा से सेव नहीं करना है, हेयर कलर के बगल में ही आप लोगों को आई कलर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, सिंपली आई कलर वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारा आँख का जो लेंस है उसको डायरेक्टली ऑटो सेलेक्ट कर लेगा, तो इससे अपने आँख का जो पार्ट है ब्लैक वाला उससे हल्का सा छोटा रखना है अपना लेंस, ठीक है। छोटा रखने के बाद क्या करना है, ऊपर की तरफ इरेजर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और नीचे और ऊपर की तरफ साइड साइड से हल्का हल्का इरेज कर देंगे, ठीक है। और ऊपर से थोड़ा सा एडवांस इरेज कीजिए, क्योंकि हमारा पलक का जो है बाल भी रहता है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, इसका जो लेंस है राइट के आइकन पे क्लिक करके फिर से लेंस पे टच करेंगे, सबसे लास्ट वाला जो लेंस है इसको लगाएंगे, ठीक है, लगा दिए, वाइट लेंस लग गया। एंड राइट के आइकन पे क्लिक करके सिंपली सेव कर देंगे। अब बात आता है गाइस फोटो को HD करने का, तो थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए, HD कैसे किया जाता है वो चीज़ जान जाइए, ठीक है। तो ड्रा वाला ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को नीचे की तरफ, ड्रा का ऑप्शन, सिंपली ड्रा वाला ऑप्शन पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज पे क्लिक कर देना है। हमारा पिक जो है गैलरी के अंदर आसानी से सेव हो चुका है। अब देखिए गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को मिलवा दूँ कि फेस कलर टोन अभी तक ऐड नहीं हो पाया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं किस तरह अभी रेड है, एंड कुछ भी मतलब मैच नहीं कर रहा अच्छे से, यहाँ पे जैसे है वैसे मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली इसको आप लाइटरूम के अंदर शेयर करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लाइटरूम के अंदर क्या करना है।
तो मेरा 2-3 बार सेंड करना पड़ता है, लाइटरूम के अंदर जल्दी ऐड नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कठिनाई सह लेते हैं क्योंकि यार हमें फ़ोटो एडिटिंग करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी कठिनाई आए हम सहेंगे। एंड क्या करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, तो हमारा पिक आ चुका है यहाँ पे सब चीज़ करने के बाद, अब बात आता है कुछ ऐसा करने का, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली आप लोगों को डायरेक्टली आ जाना है कलर वाले ऑप्शन के अंदर, और मिक्स टूल के अंदर आके ब्लू वाले कलर के अंदर आके हल्का सा इधर कर देंगे। अब बैकग्राउंड का कलर देख सकते हैं, अब मैच हो गया। एंड दूसरा काम क्या करना है, कलर के अंदर आना है फिर से, और यहाँ पर टीन जो है इसको माइनस कर देना है 20%, ठीक है। टीन को 20% माइनस कर देना है, 1% टेम्परेचर दे देना है, ठीक है, और थोड़ा सा वाइब्रेंस देना है 10%, इतना ही करना है, आप लोगों को अच्छे से मैं बता रहा हूँ। एंड दूसरा वर्क क्या करना है, इफेक्ट वाल ऑप्शन के अंदर आके गाइस क्लियरिटी जो है इसको 15% माइनस करना है, और ये जो टेक्सचर है गाइस इसको 20% माइनस कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर डेहज जो है इसको बढ़ा देना है 20%, जिससे हमारा फोटो डार्क हो जाए। एंड आते हैं फिर से कलर वाले ऑप्शन के अंदर, फेस कलर के अंदर आते हैं और फेस कलर पे लाइट दे देते हैं जिससे हमारा फेस वाइट हो जाए। एंड फर्स्ट में जो है लिप्स कलर है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, लिप्स कलर को बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद गाइस करना क्या है, डन पे क्लिक कर देना है, और बात आता है इसको HD करने का। देख लीजिए HD नहीं हुआ है अभी, आँख वगैरह हर एक चीज़ देख सकते हैं, और रेमनी एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर जो इतना पर भी आप लोग का मतलब HD नहीं हो तो। मैं बता रहा हूँ इसको क्वालिटी कैसे बढ़ाया जाता है, ठीक है, क्वालिटी में देखते रहिए। आएंगे डिटेल्स वाला ऑप्शन के अंदर, सरपैनिक जो है बढ़ा देंगे 90% और डिटेल्स को 100%, कलर नॉइस रिडक्शन इसको 30%, डिटेल्स को 100% और यहाँ पे कलर नॉइस रिडक्शन है इसको 50, और डिटेल्स को 100% स्मूथनेस को अभी 100% कर देंगे, और यहाँ पे एक ऑप्टिक का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके दोनों को इनेबल कर देंगे। अब देख लीजिएगा इसमें आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कितना ज़्यादा HD हो गया हमारा फोटो, ठीक है, बिफोर देख सकते कितना धुंधला, और यहाँ पे HD देख सकते कलर टोन ऐड हो चुका है हमारा ग्रीन वाला, और नहीं भी ऐड होगा तो कलर ग्रेडिंग में आइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ ये वाला ऑप्शन, ठीक है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे आके और यहाँ पे ये वाला दे देना है इधर की तरफ, और इसको भी थोड़ा सा इधर की तरफ कर देंगे, ठीक है। एंड देख सकते हैं काफ़ी कमाल का, इसको अभी मैं दूसरा प्रेसेट दे सकता था बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, बट मैंने दूसरा प्रेसेट नहीं दिया, एक ही प्रेसेट में आप लोग एडिट कीजिए, और जो मैंने बताया ऐसा एडिट करके मुझे टैग मेंशन जरूर कीजिए, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तभी कुछ अलग लेवल का एडिटिंग सीख पाएंगे, ठीक है। तो सब सारा मतलब चीज़ प्रेसेट से ही नहीं किया जाता है, ठीक है गाइस। तो आप लोगों मतलब मेरा जो है प्रेसेट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, सिंपली मेरा अपना YouTube चैनल खोल देना है यहाँ पे, ठीक है। YouTube खोलने के बाद यहाँ पे सर्च करना है गुलशन एडिट, GULS गुलशन एडिट, एंड सिंपली गुलशन एडिट लिखने के बाद सर्च कर देना है, और यहाँ पे हम मेरा चैनल जो है उपस्थित हो जाएगा आप लोग की आंखों के सामने, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइस खोल देंगे, समझ लीजिए ये वाला जो है इसको खोल देते हैं। खोलने के बाद अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है गाइस, वो चीज़ मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना न्यू फोटो एडिटिंग विथ अनुष्का सेन, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। खुलने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, मोर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पे स्ट्रोक लिखा हुआ, ठीक है, स्ट्रोक लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर ये वाले लिंक पे क्लिक करके और जाके आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब नहीं पूछना है गाइस, ठीक है, कमेंट मत कीजिएगा कहाँ से डाउनलोड करें, तो जाके आसानी से इसी टाइप से आप लोग को डाउनलोड करना है, हर एक वीडियो में हर एक प्रेसेट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, तो वीडियो को वॉचिंग कीजिएगा तभी उस प्रेसेट को यूज़ भी कर पाइएगा, क्योंकि यार मैं कुछ अलग लेवल का प्रेसेट बनाता हूँ खुद मेहनत करके, तो जब तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे और आप मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी देख पाएँ, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, 100 का सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, टारगेट हमारा ज़्यादा दूर तक नहीं है गाइस। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग गाइज़।